आप देखो कितने वर्ष व्यास जी यही वेद शास्त्र के अध्ययन चिंतन में लगे रहे, शास्त्रार्थ में लगे रहे, पर सत असत का बोध कहाँ हुआ? केवल जानते ही तो थे ये सत्य है ये असत्य है, पर उनका आचरण तो उससे नितांत विपरीत हो रहा था। कहते सुनते भी बात समझ नहीं आती। तुलसी बाबा कहते कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। इसीलिए उपनिषद का वाक्य है नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया बात बोलने वाला अपने जीवन में उसका आचरण कर ही रहा हो, कोई जरूरी नहीं है ये। और कोई जरूरी नहीं कि 10 20 50 साल आपने सुन लिया, सुनकर आप समझदार हो गए, ये भी कोई आवश्यक बात नहीं है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जिसको कोई जागा हुआ महापुरुष मिल जाए, कोई करनी वाला संत मिल जाए, कोई जीवन मुक्त महात्मा मिल जाए, वो जाग जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो मोह निसा सब सोवन हारा परत ताही जम फंद। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन परत ताही जम फंद। सभी इसी फंदे में बंधे हैं भाई, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, इसी में बंधे हैं सब। तो नारद जी ने कहा वो तो कोई एक आध होता है, आपने सब बात कह दी, अब भाई इसमें से क्या उचित है क्या अनुचित है, हमारे लिए क्या ग्रहण करने योग्य है क्या नहीं। नारद जी ने कहा भाई ऐसी बुद्धि ऐसा विवेक तो किसी बिरले के पास होगा, और जिसके पास होगा बोले उसको इस सब की आवश्यकता नहीं होगी, वो तो अपने शुभ संकल्प से और उचित साधन में लग जाएगा। बोले जो मंद बुद्धि लोग हैं हमारे जैसे, जिनके पास सत असत का कोई बोध नहीं है, देख रहे हैं सबको मरता हुआ लेकिन हमको लगता है भाई हम नहीं मरेंगे, हम थोड़ी मर जाएंगे, सब मर रहे हैं हम नहीं मरेंगे, खूब धक्का खा रहे हैं यहाँ पर फिर भी लगता है हमको यहाँ से कभी तो सुख मिलेगा, चलो यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो वहाँ से, अनेक अनेक बार संबंधों में असफल हुए फिर नया संबंध बनाना चाहते हैं, एक संबंध से निराशा मिल गई तो क्या हुआ फिर दूसरा संबंध बनाते हैं, कहाँ सत असत का बोध है। कल यही तो बात मैं आपको कह रहा था भाई, यहाँ सुख होता किसी को तो मिला होता। जब गुरु साहब पूरा विश्व भ्रमण करके लौटे तो किसी ने यही बात तो पूछी, भाई कोई एक बात आप ऐसी बताइए जो जो आपको सारे विश्व में एक समान रूप से देखने को मिली, कोई एक बात। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बोले कि सब सुख चाहते हैं और सुखी कोई नहीं मिला हमको, सब सुख चाहते हैं सुखी कोई मिला नहीं, नानक नानक दुखिया सब संसार, फिर सोई सुखी जाके नाम आधार। तो नारद जी ने हम जैसे लोगों का विचार करके देवर कहा भगवान से, महर्षि वेद व्यास से कहा, बोले जो ऐसे मंद बुद्धि लोग होंगे जिनके पास बुद्धि कम होगी, इनका भाग्य भी बहुत अधिक नहीं होगा, बड़े भाग पाइए सत्संग का, साधारण भाग्य वाले मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता, बड़े भाग पाइए सत्संगा बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा, बड़े भाग पाइए सत्संग।